अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास टू का ईवीएस का चैप्टर टू और उसके आगे के चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखिए हाउसिंग एंड क्लोथिंग यानी घर और कपड़ों से मुतालिक चीज़ें। वी ऑल लिव इन हाउसेज, हम सब घरों में रहते हैं। हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द सन, घर हमें बचाता है सन से, सूरज से, धूप से, विंड यानी हवा से, रेन बारिश से, कोल्ड ठंड से, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से एंड थीव्स चोरों से। Houses are made of different materials, घर अलग अलग किस्म के मटेरियल से बनते हैं। Most people use the materials available nearby, ज्यादातर लोग आसपास जो अवेलेबल मटेरियल होता है उसका यूज करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल फॉर परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस के लिए बिल्डिंग मटेरियल। परमानेंट हाउसेज आर दोज विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए जो घर बनाए जाते हैं उसे परमानेंट हाउस कहते हैं। परमानेंट हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मटेरियल, मजबूत मटेरियल से बनते हैं ये, जैसे कि ब्रेक्स है, स्टोन्स है, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स, लोहे की रॉड। ये देखिए पिक्चर्स बनी हुई है। A big house with a garden space is called a bungalow. एक बड़ा घर गार्डन के साथ उसे बंगलो कहलाता है। A very tall building with many houses is called a skyscraper. बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे घर होते हैं जिसमें skyscraper कहलाती है। ये देखिए house made of stones, पत्थर से बना घर, ये बंगलो है और ये skyscraper है। बिल्डिंग मटेरियल फॉर टेम्परेरी हाउसेस, टेम्परेरी हाउसेस के लिए क्या मटेरियल लगता है? टेम्परेरी हाउसेस आर दोज विच डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। टू बिल्ड अ टेम्परेरी हाउस वी नीड वुड, बाम्बू, मड, स्ट्रॉ, पाम लीव्स एटसेट्रा। अच्छा घर बनाने के लिए हमें जरूरत होती है लकड़ी, बांस, कीचड़ या मिट्टी, स्ट्रॉ यानी भूसा, पाम लीव्स यानी खजूर की पत्तियां, बाम्बू, मड, स्ट्रॉ और ये पाम लीव्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर मूवेबल हाउसेस, कुछ हाउसेस मूवेबल होते हैं, चलते फिरते हैं। जो मूवेबल हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। ये कारमा इज अ वुडन हाउस ऑन व्हील्स, कारमा एक लकड़ी का घर होता है चक्कों के ऊपर। सम ट्राइबल पीपल लिव इन कारमाज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कुछ जो बंजारे होते हैं वो कारमा वाले घरों में रहते हैं अपनी जिंदगी की तलाश में, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। टेंट इज मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ, टेंट बनाया जाता है कैनवास क्लॉथ से। It is fixed to the ground with the support of poles and ropes. Poles और रस्सियाँ, खंबे और रस्सियों की मदद से ये ग्राउंड पर फिक्स किया जाता है। कैनवास प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन एंड सन, रेन और सन से कैनवास बचाता है। स्काउट्स एंड सोल्जर्स कैंप इन टेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, स्काउट और जो सोल्जर्स हैं वो भी कैंप करते हैं टेंट्स में कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। A houseboat is a house floating on water and is of wood. एक houseboat भी होती है जो पानी पर तैरता हुआ घर होता है जो लकड़ी से बना होता है। ये देखिए कारमा है, ये टेंट है या हाउस बोट है। मैनी हाउस बोट फ्लोट ऑन डल लेक इन कश्मीर, कश्मीर के डल लेक में हाउस बोट तैरते रहती हैं। इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो, बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। क्लोथ्स कपड़े, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स, कपड़े हमें बचाते हैं ठंड से, गर्मी से, बारिश से, धूल से और कीड़ों के काटने से। क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक विच इज वूवन फ्रॉम थ्रेड्स, धागों से बुनाई करके फैब्रिक के जरिए कपड़ा बनाया जाता है। वी वेयर क्लोथ्स एज पर द क्लाइमेट, मौसम के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। फाइबर्स आर टू काइंड्स, दो किस्म के फाइबर होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जिंदा चीजों से हासिल होने वाला फाइबर नेचुरल फाइबर कहलाता है, सच एज कॉटन एंड सिल्क, जैसे कि कॉटन सिल्क। फाइबर्स मेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, बेजान चीजों से हासिल होने वाला फाइबर सिंथेटिक कहलाता है, सच एज नायलॉन, टेरिलीन एंड पॉलिएस्टर। कॉटन फाइबर क्या होता है? फ्लफी कॉटन इज फाउंड इन द बोल्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के बोल्स से हमें कॉटन मिलता है, फ्लफी कॉटन होता है ये देखिए कॉटन बोल्स है, कॉटन का पौधा। और शीप एंड वूल, भेड़ से हमें ऊन मिलता है और सिल्क वर्म से हमें रेशम मिलता है। वूल फाइबर, हेयर ऑफ शीप इज कॉल्ड वूल, इट हैज सॉफ्ट फाइबर, भेड़ के जो बाल हैं वो वूल कहलाते हैं। सिल्क फाइबर, सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस वेरी फाइन फाइबर कॉल्ड सिल्क, सिल्क वर्म से सिल्क मिलता है, रेशम। सीजन एंड क्लोथ, वी वेयर कॉटन क्लोथ मोस्टली इन समर, कॉटन क्लोथ हम गर्मियों में पहनते हैं, दे कीप अस कूल, वो हमें ठंडा रखते हैं। पीपल वियर कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ ऑल द ईयर लॉन्ग, साल भर में लोग कभी सूती, कभी सिल्क, कभी सिंथेटिक पहनते रहते हैं। इन विंटर वी वियर वूलन क्लोथ, ठंड में हम वूलन ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे डू नॉट अलाउ अवर बॉडी हीट टू एस्केप, हमारी गर्मी, बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते हैं ये, सो दे कीप अस वार्म, इसलिए ये हमें गर्म रखते हैं। ये देखिए वूलन क्लोथ्स हैं, ये कॉटन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स और ये रेनकोट। वी वेयर रेनकोट्स वायलेट रेन, जब बारिश होती है हम बरसाती पहनते हैं। रेनकोट्स आर मेड ऑफ रबर कैनवास और प्लास्टिक, रेनकोट रबर कैनवास प्लास्टिक से बने होते हैं। वाटर डज नॉट पास थ्रू देम, उनसे पानी पास नहीं होता है। टाइम टू आंसर में देखिए, अ मूवेबल हाउस मेड ऑफ कैनवास इज कॉल्ड टेंट, टेंट कहलाता है। अ बिग हाउस विद अ गार्डन स्पेस इज कॉल्ड अ बंगलो कहलाता है।
अ हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड अ कारवां कहलाता है, चक्के वाला घर. अ वेरी टॉल बिल्डिंग इज कॉल्ड स्काई स्क्रैपर. ब्लैंक्स में देखिए, अ हाउस बोट इज फ्लोटिंग हाउस, बहता हुआ तैरता हुआ घर होता है. हेयर ऑफ शीप इज कॉल्ड वूल, ऊन कहलाता है, भेड़ों के बाल. हाउसेज ऑन व्हील्स आर कॉल्ड कारवां, कारवां कहलाता है. हाउसेज ऑन व्हील और परमानेंट हाउस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय चलते हैं परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स. रूफ हाउस में देखिए, कारवा नेवर मूव, कारवा मूव नहीं करते हैं, फॉल्स है ये. परमानेंट हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक, सीमेंट और ब्रिक से बने होते हैं, बिल्कुल सही है, ट्रू है. इग्लूज आर स्नो हाउसेज, बिल्कुल सही है. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं हम, बिल्कुल ट्रू है ये. एंड रेनकोट्स आर मेड ऑफ वूल, रेनकोट ऊन से बने होते हैं, रॉन्ग है ये, फॉल्स है. राइट थ्री मटेरियल्स टू मेक अ परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट, आयरन रॉड लिख सकते हैं हम. और टेम्परेरी हाउस बनाने के लिए वुड, बाम्बू एंड मड है. राइट थ्री टाइप्स ऑफ हाउसेस, परमानेंट, टेम्परेरी, मूवेबल. और राइट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, वूल एंड सिल्क. क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों होती है. वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंड, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, इन सारी चीजों से बचने के लिए होती है. व्हाट इज अ परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस आर दोज विच लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त तक चलने वाला घर परमानेंट हाउस कहलाता है. व्हाट इज कारवा, हु यूजेस इट, कारवा इज अ वुडन हाउस ऑन व्हील्स, चक्कों पर, एक लकड़ी का घर होता है. सम ट्राइबल लिव्स इन कारवा, सब कुछ जातियां कारवा में रहती हैं. वांडरिंग इन सर्च ऑन लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी की तलाश में वो घूमते फिरते रहते हैं. व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट, इन चीजों से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. What material are used for building temporary house? Temporary house बनाने के लिए material क्या लगता है? To build a temporary house, we need wood, लकड़ी, बम्बू, बांस, mud, मिट्टी, straw, भूसा, palm leaves, खजूर की पत्तियां वगैरह. Hot question में देखिए, What material are used for making roof of houses? What is a roof of a hut of made of? दो question यहाँ पर. तो पहला question का आंसर होगा, roof are made of thatch, tin, tiles, absorb, asbestos or concrete. एंड व्हाट इज द रूफ ऑफ अ हट मेड ऑफ, हट की रूफ किससे बनती है. द रूफ ऑफ हट इज मेड ऑफ थैच, यानी कि ग्रास, लीव्स एंड स्ट्रॉ, एंड स्प्रेड एज अ बॉम्बू नेट, इस तरीके से ये बनती है. चैप्टर थ्री देखिए, अवर फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार. फेस्टिवल्स इज अ स्पेशल डे और स्पेशल इवेंट, एक खास दिन या खास मौका होता है. इंडिया इज अ नेशन ऑफ फेस्टिवल्स, इंडिया नेशन से राष्ट्र है त्योहारों का भी. सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स, बहुत सारे यहाँ पर धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल कौन से हैं? द फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल. अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार रिलीजियस फेस्टिवल कहलाते हैं. धार्मिक त्यौहार जैसे कि दिवाली, दिवाली इज द मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का मेन फेस्टिवल है. इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड टू रिजॉइस लॉर्ड रामाज रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ द एग्जाइल. ये इसलिए मनाया जाता है कि जो श्री रामचंद्र थे वो लौटे थे 14 साल बाद जंगल से. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज बाय लाइटिंग दियाज एंड कैंडल्स, दिया और कैंडल जलाकर लोग अपने घरों को सजाते हैं. ऑन दिवाली वी प्रे टू लक्ष्मी एंड गणेशा, दिवाली में लक्ष्मी और गणेशा की पूजा होती है. पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट, लोग मिठाई और तोहफे बांटते हैं. वी वियर न्यू क्लोथ्स, नए क्लोथ्स पहनते हैं. सम पीपल बर्स्ट फायर क्रैकर्स, पटाखे फोड़े जाते हैं. दिवाली ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस, दिवाली से जॉय और हैप्पीनेस आता है. होली है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार है. इट इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु में मनाया जाता है. पीपल प्ले विद कलर्स, रंगों से खेलते हैं लोग, एंड वाटर, पानी से, फॉर फन, मजे के लिए. ऑन दिस डे इस दिन अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया इज मेड, एक खास डिश गुजिया बनाई जाती है. ईद है, देखिए ईद इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है. दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट द एंड ऑफ रमजान, रमजान के खत्म होने के बाद मनाया जाता है ये. द मुस्लिम मंथ ऑफ फास्टिंग, जो के रमजान यानी जो रोजे का महीना है. मुस्लिम ब्रेक देयर फास्ट व्हेन द न्यू मून इज साइटेड, मुसलमान रोजे अपने एंड कर देते हैं जब नया चांद दिख जाता है. ऑल मुस्लिम मैन ऑफर देयर प्रेयर्स इन द ईदगाह, मुस्लिम मैन और वुमेन दोनों करते हैं ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं. दे ग्रीट ईद मुबारक एक दूसरे को कहते हैं. टू ईच अदर चिल्ड्रन आर गिवन गिफ्ट्स, बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं. स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज मेड एंड ऑफर टू गेस्ट, सेवैया बनाई जाती है खास डिश और मेहमानों को खिलाई जाती है. क्रिसमस,
क्रिसमस द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन का मेन फेस्टिवल क्रिसमस है जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। क्रिश्चियन इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिश्चियन सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट जॉय, बहुत खुशी से मनाते हैं। क्रिश्चियन इसे दे अटेंड मास प्रेयर इन द चर्च, चर्च में बहुत बड़ी प्रेयर होती है। दे डेकोरेट देयर होम्स, घरों को सजाते हैं विद अ क्रिसमस ट्री से। चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग देम गिफ्ट, सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं बच्चे क्योंकि वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आता है। गुरु पर्व में क्या होता है, दे आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द 10th सिख गुरु, 10 सिखों के जो गुरु हैं उनके बर्थडे को मनाया जाता है की याद में। सिख गो टू गुरुद्वारा एंड प्रे देयर, गुरुद्वारा जाते हैं वहां प्रे करते हैं। दे अरेंज लंगर फॉर पीपल आफ्टर देयर प्रेयर, प्रेयर के बाद वो लंगर बांटते हैं, खाना बांटते हैं। सम हार्वेस्ट फेस्टिवल, कुछ त्योहार जो फसलों से रिलेटेड है जैसे कि पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये फसल का त्यौहार। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी में मनाया जाता है। अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज मेड फ्रॉम न्यूली हार्वेस्टेड राइस, नए चावल के से बनाया जाता है ये, एंड जगरी और गुड़ से बनाया जाता है। एक डिश स्पेशल जिसे पोंगल राइस कहते हैं। दिस फेस्टिवल कंटिन्यूस फॉर 4 days, 4 दिन तक चलता है ये त्यौहार। ओनम होता है, ओनम इज मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला, केरला मनाते हैं। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त के महीने में होता है और सितंबर के महीने में। पीपल वर्शिप किंग महाबली, राजा कोई महाबली है उसकी पूजा होती है इसमें। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड, हाथियों को सजाया जाता है। एंड टेकन आउट इन प्रोसेशन, जुलूस निकाला जाता है। वल्लम कली और द स्नेक बोट रेस इज द मोस्ट एंशिएंटिंग फेसेट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ओनम। ओनम की खास पहचान है कि इसमें एक खास किस्म की नाव की रेस होती है जिसे वल्लम कली या स्नेक बोट कहते हैं। बिहू है एक त्योहार। द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम, असम में मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द कलरफुल बिहू डांस, बिहू डांस के लिए मशहूर है ये, एंड ग्रेट फीस्ट और बहुत जबरदस्त दावत होती है। बिहू ग्रैंड फीस्ट, बिहू फेस्टिवल फॉल्स इन मिड अप्रैल, मिड अप्रैल में आता है एंड कंटिन्यूस फॉर अ मंथ, पूरा महीना चलता है। नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं कुछ। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एंटायर नेशन, पूरा नेशन इसको, पूरा राष्ट्र मनाता है। लेट अस रीड अबाउट सम देम, सम ऑफ देम। पहला इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, यौम आजादी। द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी मिली थी। इस दिन आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, लाल किले पर झंडा फहराते हैं प्राइम मिनिस्टर। वी होस्ट इन इट इन स्कूल, हम अपने स्कूलों में झंडा फहराते हैं, कॉलेजेस में एंड अवर नेबरहुड पड़ोस में। वी ऑल्सो सिंग अवर नेशनल एंथम, कुछ लोग नेशनल एंथम भी इसमें गाते हैं। रिपब्लिक डे होता है एक, जैसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को होता है हर साल। एवरी ईयर 3 देयर इज अ ह्यूज कलरफुल परेड इन न्यू दिल्ली एट राजपथ टू सेलिब्रेटेड, हर साल 26 जनवरी को बहुत बड़ी परेड लगा निकाली जाती है राजपथ में। द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, कंट्री के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, टेक्स सैल्यूट ऑफ दिस ग्रैंड परेड, इस ग्रैंड परेड की सैल्यूट लेते हैं। द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन स्कूल टू, स्कूलों में मनाया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन स्कूल, कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं। गांधी जयंती में क्या होता है, देखिए महात्मा गांधी इज नोन एज द बापू और फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन कहते हैं गांधी जी को। हिज बर्थडे ऑन 2nd अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। ही वॉज द लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी की लड़ाई के लीडर थे वो। द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री ऑफर प्रेयर्स एट गांधी जी समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। बहुत सारे नेता, प्रेजिडेंट वगैरह जो है राजघाट में जहाँ उनकी समाधि है वहां पर जाकर प्रेयर ऑफर करते हैं। टाइम टू आंसर में देखिए, इंडिया इज द नेशन ऑफ फेस्टिवल, इंडिया नेशन ऑफ फेस्टिवल है। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स का फेस्टिवल है। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का है। एंड द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। ब्लैंक्स में देखिए, होली इज कॉल्ड अ कलरफुल फेस्टिवल। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। पोंगल फेस्टिवल कंटिन्यूज फॉर 4 days, 4 दिन तक चलता है। बिहू फेस्टिवल फॉल्स इन मिड अप्रैल एंड कंटिन्यूज फॉर अ मंथ, एक महीना चलता है, मिड अप्रैल में होता है बिहू। वी सेलिब्रेट 2nd अक्टूबर एज गांधी जयंती। क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट इज अ फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या होता है। फेस्टिवल इज अ स्पेशल डे और अ स्पेशल इवेंट, एक खास दिन या खास मौका होता है। व्हाट इज रिलीजियस फेस्टिवल, द फेस्टिवल व्हिच इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इज कॉल्ड अ रिलीजियस फेस्टिवल, अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार रिलीजियस फेस्टिवल कहलाता है। हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय डेकोरेटिंग द हाउसेज विद लाइटिंग दिया एंड कैंडल, दिया और कैंडल जलाकर दिवाली मनाई जाती है।
When and where is Pongal festival celebrated? Pongal is celebrated in month of January in Tamil Nadu. January के month में Tamil Nadu में मनाया जाता है Pongal. What is the national festival? How do we celebrate the Republic Day? The festival which are celebrated by the entire nation are called the national festival. पूरा nation जिसे मनाता है national festival कहलाता है. We celebrate the Republic Day by organizing the cultural program in school. Cultural program school में होते हैं. There is a huge colorful parade in New Delhi at Rajpath to celebrate it. और दिल्ली में के राजपथ में बहुत बड़ी परेड, कलरफुल परेड निकाली जाती है इसको मनाने के लिए. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड. पिक्चर देखकर फेस्टिवल का नाम लिखना है. तो ये क्रिसमस है, ये बिहू है, ये गांधी जयंती है और ये दिवाली है. हॉट क्वेश्चन देखिए. सलीम इज गोइंग टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विच कम्स आफ्टर मंथ ऑफ फास्टिंग. कैन यू नेम द फेस्टिवल? सलीम एक त्यौहार मनाना चाहता है जो फास्टिंग के रोजे के महीने के बाद आता है. क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? इट इज ईद. ये ईद है विच कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान, जो रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है. नेक्स्ट देखिए चैप्टर फोर है प्लेसेज ऑफ वर्शिप. वर्शिप करने के जो स्थान होते हैं, इबादत करने के, भक्ति करने के. वी ऑल वर्शिप गॉड इन डिफरेंट प्लेसेज. अलग अलग जगहों पर हम गॉड की वर्शिप करते हैं. वी प्रे टू गॉड टू कीप अस सेफ एंड हैप्पी. हम गॉड की प्रे करते हैं ताकि वो हमें सेफ रखे, हैप्पी रखे. वी ऑल्सो थैंक गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज गिवन अस. और हम उसका शुक्र भी अदा करते हैं क्योंकि जो कुछ भी उसने हमको दिया है. ये देखिए ये ऋतु है, ये मूर्ति की पूजा कर रही है, ये आरिज है, ये दुआ कर रहा है, ये गुरजोत है, सिख है ये, और ये जेन है. ये क्रिसमस ईसा मसीह के सामने, जीसस के मूर्ति के सामने खड़ी है. डिफरेंट रिलीजन्स कौन कौन से हैं? अलग अलग मजहब. पीपल इन आर नेबरहुड आर डिफरेंट रिलीजन. अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं अलग अलग मजहब के हमारे आस पड़ोस में. दे वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीकों से इबादत करते हैं वो. हिंदूज गो टू टेम्पल टू प्रे. हिंदू मंदिर जाते हैं प्रे करने के लिए. टेम्पल हैज आइडल्स. टेम्पल्स में मूर्तियां होती हैं ऑफ डिफरेंट गॉड्स, देवी देवताओं की एंड गॉडेस देवी देवताओं की. पीपल ऑफर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. पीपल लोग उन्हें खिलाते हैं, ऑफर करते हैं, फ्रूट्स फल देते हैं, फूल देते हैं टू गॉड गॉडेस देवी देवताओं को. द रामायण एंड द भगवद गीता आर द होली बुक ऑफ द हिंदू. हिंदुओं की होली बुक रामायण महाभारत है. ओम इज द मेन सिंबल ऑफ हिंदुइज्म. हिंदुइज्म का मेन सिंबल ओम है. सम पीपल वर्शिप इन मॉस्क. कुछ लोग मस्जिद में इबादत करते हैं. दे आर मुस्लिम, उन्हें मुस्लिम कहते हैं. दे ऑफर नमाज, वो नमाज पढ़ते हैं. फाइव टाइम्स अ डे, दिन में पांच बार. द कुरान इज देयर होली बुक. कुरान उनकी मजहबी किताब है. इस्लाम इज देयर रिलीजन, और उनका रिलीजन मजहब इस्लाम है. प्रॉफिट मोहम्मद वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम. प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम के फाउंडर हैं. हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद फाउंडर नहीं है, वो लास्ट प्रॉफिट है. फाउंडर तो अल्लाह ताला है इस्लाम का. सबसे फर्स्ट प्रॉफिट आदम है, सबसे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को एंड किया है, आकर खत्म किया है, फाइनल किया है, कंप्लीट किया है. नेक्स्ट देखिए आगे. सम पीपल वर्शिप इन गुरुद्वारा. कुछ लोग गुरुद्वारा में है वर्शिप करते हैं. दे आर सिख, उन्हें सिख कहते हैं. दे प्रे बिफोर देयर होली बुक. द गुरु ग्रंथ साहब, वो अपनी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं. होली बुक जो है उनकी गुरु ग्रंथ साहब कहलाती है. दे प्रे टू देयर गुरुज, वो अपने गुरुज की प्रे करते हैं. दे सिंग हिम्स कॉल्ड गुरुबाणी, वो गुरुबाणी के हिम्स पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं. गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु हु फाउंडेड द सिख रिलीजन. सिख रिलीजन को फाउंड किया है गुरु नानक देव ने, जो उनके पहले गुरु कहलाते हैं. सम पीपल गो टू चर्च टू प्रे. कुछ लोग चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए. दे आर क्रिश्चियन, उन्हें क्रिश्चियन कहते हैं. दे प्रे टू जीसस क्राइस्ट, वो ईसा मसीह की इबादत करते हैं. द बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन. क्रिश्चियन की होली बुक बाइबल है. दे सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर. हर साल 25 दिसंबर को वो क्रिसमस मनाते हैं. दे आर ऑल्सो सम अदर पीपल हु वर्शिप इन डिफरेंट वेज. और बहुत से अलग से और भी कई किस्म के लोग हैं जो कई तरीके से इबादत करते हैं. जैन्स वर्शिप लॉर्ड महावीरा. जैन जो है वो महावीर की इबादत करते हैं. बुद्धिस्ट वर्शिप लॉर्ड बुद्धा. बुद्धिस्ट जो है वो बुद्धा की इबादत करते हैं. एंड पारसी वर्शिप फायर इन द टेम्पल. पारसी जो है वो आग की परस्तिश करते हैं, आग की इबादत करते हैं. ये देखिए जैन जो है ये मिस्टर महावीर की वो करते हैं पूजा, और ये बुद्धिस्ट जो है ये बुद्धा की पूजा करते हैं जो कि एक राजा थे. और पारसी जो है ये तो आग की करते हैं, फायर की. देर इज ऑनली वन गॉड, सिर्फ एक खुदा है, एक अल्लाह है. वी कॉल हिम बाई डिफरेंट नेम, उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं. ऑल रिलीजन टीच अस टू लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. सारे मजहब हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना सिखाते हैं. टाइम टू आंसर में देखिए. वी ऑल वर्शिप गॉड इन डिफरेंट प्लेसेज. अलग अलग जगहों पर हम गॉड की वर्शिप करते हैं. अ टेम्पल हैज आइडल्स. टेम्पल में मूर्तियां होती हैं ऑफ डिफरेंट गॉड गॉडेस देवी देवताओं की. मुस्लिम ऑफर नमाज फाइव टाइम्स अ डे, दिन में पांच बार मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं. सम पीपल गो टू चर्च टू प्रे. कुछ लोग चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए.
पारसीज वर्शिप फायर इन फायर टेम्पल, फायर टेम्पल में फायर की वर्शिप करते हैं पारसी लोग। वी प्रे टू गॉड टू कीप अस सेफ एंड हैप्पी, हम खुदा की इबादत करते हैं ताकि वो हमें सुरक्षित रखे, खुश रखे। हिंदूज गो टू टेम्पल टू प्रे, हिंदू गो टेम मंदिर जाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट हैं इस्लाम के, फाउंडर नहीं है वो, इसको करेक्शन होना चाहिए इसमें। सिख वर्शिप इन अ गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा में वर्शिप करते हैं। क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस। क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाई डू वी प्रे, हमें प्रे क्यों करना चाहिए। वी प्रे गॉड टू कीप अस सेफ एंड हैप्पी। नेम टू होली बुक्स ऑफ हिंदूज, हिंदूज की टू होली बुक है रामायण एंड भगवत गीता। वेयर डू मुस्लिम गो टू प्रे, व्हाट इज देयर रिलीजन। मुस्लिम गो टू प्रे इन मॉस्क, मस्जिद। इस्लाम इज देयर रिलीजन, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं इबादत के लिए, उनका मजहब इस्लाम है। हु प्रोटेक्ट अस, हु प्रोटेक्ट यू फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, थीव्स और रॉबर्स से कौन बचाता है। पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स। हु सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस कौन मनाता है, क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस। हॉट क्वेश्चन में देखिए, हरजीत रीड्स द गुरु नानक ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब एवरीडे, कैन यू टेल हर द रिलीजन, उसका रिलीजन क्या होगा। शी इज सिख, वो सिख है। रेहान ऑफर नमाज 5 टाइम्स अ डे, फाइंड आउट हिज रिलीजन एंड द प्लेस ऑफ द वर्शिप। ही इज अ मुस्लिम एंड वर्शिप इन अ मॉस्क, 5 टाइम दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है रेहान, तो वो मुस्लिम है और वो मस्जिद में इबादत करता है। वैसे इबादत कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर, ये क्या है, यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए गए वर्शिप के, इनके आपको नाम लिखना है, ये आपको खुद ही लिखना है। विजिट अ टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, टू सेंटेंस अबाउट देम, प्लेस ऑफ वर्शिप, नेम द टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये सब आपको खुद ही करना है, इसको चाहें तो कलर कर सकते हैं। चैप्टर 5 है रिक्रिएशन एंड फन। रिक्रिएशन यानी खेलकूद, गेम्स और फन यानी मजा करना। व्हेन वी गेट फ्री टाइम, जब भी हमें फ्री टाइम होता है, वी डू व्हाट वी एंजॉय, हम वो काम करते हैं जिसको हम, जिसमें हमें मजा आता है, दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन, इसे हम रिक्रिएशन कहते हैं। आफ्टर वी वर्क और स्टडी, जब हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वी फील टायर्ड, हम थक जाते हैं, सो वी ऑल्सो नीड टू हैव सम फन, तो हमें कुछ फन करने की जरूरत होती है। वी मस्ट रेस्ट एंड रिलैक्स इन आवर फ्री टाइम, हमें अपने फ्री टाइम में रेस्ट और रिलैक्स करना चाहिए। पीपल रिलैक्स एंड हैव फन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से लोग फन करते हैं, रिलैक्स करते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देयर फ्री टाइम इन डिफरेंट वेज, जैसे कि बच्चे अलग अलग तरीकों से करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले गेम्स, बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं। सम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स, कुछ बच्चे अंदर, घर के अंदर के गेम पसंद करते हैं, सच एज लूडो, कैरम, चेस एटसेट्रा। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम इंडोर गेम कहलाते हैं। सम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स, कुछ बच्चे बाहर के गेम खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एटसेट्रा। आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द हाउस, आउटडोर गेम घर के बाहर खेले जाते हैं। सच चिल्ड्रन लाइक टू स्पेंड देयर फ्री टाइम रीडिंग बुक्स, कुछ बच्चे अपना खाली वक्त में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। लिसनिंग टू सॉन्ग, गाने सुनना, एंड गार्डनिंग, गार्डनिंग करना। सम चिल्ड्रन लाइक टू वॉच कार्टून प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, कुछ बच्चे टेलीविजन में कार्टून देखना पसंद करते हैं। सम ऑफ अस एंजॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, कुछ लोगों को नाचना गाना पसंद है। ड्राइंग एंड पेंटिंग आर एंजॉयड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे ड्राइंग और पेंटिंग भी पसंद करते हैं। सम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन पार्क, कुछ बच्चे पार्क में खेलना पसंद करते हैं। दे हैव फन ऑन सी सॉ, स्विंग, स्लाइड्स एटसेट्रा, उनको मजा आता है सी सॉ पर, झूले पर और फिसलनी पर। Sometimes there is a puppet show, कभी कभी puppet show लगता है, कठपुतली show, puppet shows are very popular among village children, बच्चों में ये बहुत, गांव के बच्चों में ये काफी मशहूर game है। puppet show is also a form of entertainment, एक entertainment की बहुत अच्छी form है puppet show भी। During festival like Dashera, Diwali etc, we have fairs in our town, Diwali Dashera के मौके पर मेला भी लगता है शहरों में। children buy sweets and toys and enjoy rides, बच्चे मिठाई खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं और झूला वगैरह झूलते हैं, राइड्स को एंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन आल्सो लाइक टू गो आउट ऑन अ पिकनिक, पर जाना भी बच्चे पसंद करते हैं। पिकनिक्स आर एंजॉयड बाय एवरीवन, हर कोई पिकनिक पसंद करता है। फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर टू गो फॉर पिकनिक, फैमिली फ्रेंड एक साथ जाते हैं पिकनिक के लिए। टेस्टी फूड इज पैक्ड, टेस्टी फूड पैक किया जाता है, एंड दे प्ले एंड ईट टुगेदर, खेलते हैं और खाते हैं साथ में जाकर। Sometimes we go to circus, कभी भी हम सर्कस भी जाते हैं। सर्कस इन एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, बहुत पुराना साधन है ये रिक्रिएशन का। क्लाउन्स, एनिमल्स एंड ट्रेपेजी आर्टिस्ट परफॉर्म इन अ सर्कस, क्लाउन्स यानी जोकर, एनिमल्स यानी जानवर, और ट्रेपेजी आर्टिस्ट परफॉर्म इन सर्कस में परफॉर्म करते हैं। वी एंजॉय वॉचिंग देम, हम उन्हें देखकर मजा लेते हैं। Sometimes we go to the zoo, कभी कभी हम zoo जाते हैं। It is fun of It is fun to watch animals. इसमें मजा आता है animals को देखने में, and birds को देखने में in a zoo. Recreation is important. बहुत important है recreation. It keeps us fresh and active. ये हमें fresh active रखता है।
वी शुड ऑलवेज प्ले एंड रिलैक्स इन अवर फ्री टाइम. हमें हमेशा खेलना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए अपने फ्री टाइम में. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक अस डल. सिर्फ हमेशा काम करना और नहीं खेलना हमें डल बना देता है. टाइम टू आंसर में देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आफ्टर वी वर्क और स्टडी वी फील टायर्ड. हम टायर्ड महसूस करते हैं. इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड द हाउस. घर के अंदर इंडोर गेम खेले जाते हैं. सम चिल्ड्रन लाइक टू वॉच कार्टून प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन. में कार्टून प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं कुछ बच्चे. पपेट शोज आर वेरी पॉपुलर अमंग विलेज चिल्ड्रन. गाँव के बच्चों में पपेट शो बहुत मशहूर है. सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. सर्कस बहुत एक पुराना साधन है मनोरंजन का. ट्रू फॉल्स में देखिए, रिक्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ट्रू है बिल्कुल. चिल्ड्रन डोंट लाइक इंडोर गेम्स. फॉल्स है. लूडो एंड चेस आर आउटडोर गेम्स. फॉल्स है. ये भी इंडोर गेम्स है. ये पपेट शोज आर वेरी पॉपुलर अमंग विलेज चिल्ड्रन. बिल्कुल सही बात है. इट इज फन टू वॉच एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ ज़ू. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट इज रिक्रिएशन. व्हेन वी गेट फ्री टाइम. जब भी हमें खाली वक्त मिलता है, वी डू व्हाट वी एंजॉय. हम वो काम करते हैं जो काम को हम पसंद करते हैं. दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन. इसे रिक्रिएशन कहते हैं. व्हाट आर आउटडोर गेम्स. नेम एनी टू. आउटडोर गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द हाउस. घर के बाहर खेले जाने वाले गेम को आउटडोर गेम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल क्रिकेट. हाउ डू यू एंजॉय इन अ पार्क. पार्क में आप कैसे एंजॉय करते हैं. वी एंजॉय टू प्ले इन अ पार्क. हम पार्क में खेलना पसंद करते हैं. वी हैव फन ऑन सीसॉ स्विंग स्लाइड एटसेट्रा. इन सारी चीजों पर हम मजे करते हैं. हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय इन फेयर्स. मेलों में कैसे मजा करते हैं बच्चे. चिल्ड्रन बाय स्वीट्स. मिठाई खरीदते हैं एंड टॉयज और खिलौने खरीदते हैं. एंड एंजॉय राइड्स और झूला वगैरह झूलते हैं. व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं. वी प्ले एंड रिलैक्स इन अवर फ्री टाइम. हम अपने खाली वक्त में प्ले करते हैं, खेलते हैं और रिलैक्स करते हैं. हॉट क्वेश्चन में देखिए, शाहिन वांट्स टू सी सम एनिमल्स एंड बर्ड्स. शाहिन कुछ बर्ड्स और एनिमल देखना चाहती है. वेयर मस्ट शी गो टू वॉच देम. उसे कहाँ जाना चाहिए देखने के लिए. शी मस्ट गो टू द ज़ू टू वॉच देम. उसे ज़ू जाना चाहिए ये सब चीजें देखने के लिए. गुरमीत डजंट वांट टू प्ले. गुरमीत खेलना नहीं चाहता. ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन स्टडीज. वो सिर्फ पढ़ना चाहता है. इट इज राइट. इज इट राइट. क्या ये राइट है. इफ नॉट व्हाई. अगर नहीं तो क्यों. नो, ये सही नहीं है. बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स अस डल. सिर्फ काम ही काम करना और नहीं खेलना हमें डल बना देता है. चलिए, ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं. खुद ही करना है आपको ये सारी एक्टिविटीज. चैप्टर 6 देखते हैं. हाउ वी ट्रेवल. हम सफर कैसे करते हैं. टू ट्रेवल मीन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू एनी डिस्टेंस प्लेस. किसी दूर की जगह पर सफर करते हुए जाना ट्रैवल कहलाता है. ऑल ऑफ अस नीड टू ट्रैवल फॉर डिफरेंट पर्पस. अलग अलग मकसद के लिए हम ट्रैवल करते हैं. लॉन्ग एगो बहुत पहले पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट. पैदल सफर किया करते थे लोग. दे यूज टू स्लेज टू कैरी गुड्स. वो स्लेज का यूज करते थे माल ढोने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. The vehicle used for carrying us and goods are called means of transport. ऐसे vehicle जो हमें ले जाते हैं या सामान ढोते हैं उन्हें means of transport कहते हैं. The different ways of transport are land, water and air. अलग अलग तरीके जो transport के हैं वो land, water और air हैं. पहला देखते हैं land transport क्या होता है. Some vehicles move on roads. कुछ vehicles road पर चलते हैं. They are the means of land transport. उन्हें land transport कहते हैं. There are many advanced vehicles which move on road. बहुत सारे advanced vehicle हैं जो road में चलते हैं. बाइसिकल ब्लॉक कार्ट मोटरसाइकिल कार बस ट्रक ट्रेन एटसेट्रा डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. ये सारे के सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है जो जमीन में चलती चीजें. अ ट्रैक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल फॉर फार्मर इन द विलेजेस. गाँव में ट्रैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल होता है खासतौर से किसानों के लिए. अ बस कैन कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों को बस कैरी कर सकती है. ट्रक्स आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रक्स में माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. A train runs on railway track. Railway track पर चलती है train and carries many people at one time. एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को ले जाती है. Train is the fastest means of land transport. Land transport का सबसे तेज साधन है. There are different kinds of trains to carry people and goods. कई किस्म की ट्रेन होती हैं लोगों को और माल को ले जाने के लिए. Water transport में क्या क्या होता है. Some vehicle move on water surface. कुछ vehicle पानी के surface में चलते हैं. They are the means of water transport. इन्हें water transport कहते हैं. There are many vehicles which move on water. बहुत सारे vehicle वाटर पर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल शेप बोट स्टीमर एटसेट्रा मूव ऑन वाटर. वी कैन क्रॉस एनी रिवर सी एंड ओशन बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बाय हम इस वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए रिवर को नदी को समंदर को सब महासागरों को पार कर सकते हैं. अब देखिए एयर ट्रांसपोर्ट. सम व्हीकल्स ट्रेवल इन एयर. कुछ हवा में उड़ते हैं. व्हीकल्स ऐसे होते हैं. दे आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं.
एरोप्लेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. सबसे अच्छा एग्जाम्पल एरोप्लेन है. एन एरोप्लेन कैरीज अस टू फार ऑफ प्लेसेस. बहुत दूर दूर की जगहों पर हमें लेकर जाता है एरोप्लेन. अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में. सो एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तेज मीन्स है. हेलीकॉप्टर एंड जेट प्लेन्स आर अदर पॉपुलर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन दूसरे भी एयर ट्रांसपोर्ट है. हेलीकॉप्टर इज यूज टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस. कम दूरी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है. जेट प्लेन्स आर पॉपुलर अमंग आवर एयरफोर्स. एयरफोर्स में जो सबसे पॉपुलर है वो है जेट प्लेन्स. दे आर नोन फॉर देयर वेरी फास्ट स्पीड. बहुत तेज स्पीड के लिए वो जाने जाते हैं. ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुगेदर मेक अवर लाइफ इजी एंड कम्फर्टेबल. ये सारे साधन जो हमने ऊपर पढ़े हैं हमारी लाइफ को ईजी और कम्फर्टेबल बनाते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स वी यूज. माल को ढोने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं. स्टीमर्स मूव ऑन. स्टीमर कहाँ चलते हैं? वाटर में चलते हैं. एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. एंड ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक. टिक द करेक्ट में देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन रोड. लैंड ट्रांसपोर्ट रोड में होता है. ट्रेन्स रन ऑन रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक पर चलती हैं ट्रेन. द शिप्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड एरोप्लेन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन आंसर देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं? ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट मूवमेंट करता है लोगों का और माल का एक जगह से दूसरी जगह पर, इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. नेम थ्री डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड, एयर एंड वाटर आर द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के तीन खास मेन डिफरेंट वेज हैं, लैंड, एयर और वाटर. नेम टू व्हीकल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. ट्रक एंड बस आर टू व्हीकल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. बस ट्रक जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है और ट्रेन उसमें सबसे तेज होती है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? वी कैन क्रॉस एनी सी. हम कोई भी समुद्र पार कर सकते हैं. ओशीन एंड रिवर, नदी, बाय वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए. चलिए, वाटर वाले में W लिख दीजिए, लैंड वाले में L लिख दीजिए, एयर वाले में A लिख दीजिए और लैंड वाले में यहाँ L लिख दीजिए. हॉट क्वेश्चन देखिए, गुरजिंदर हैज टू विजिट वन ऑफ हिज रिलेटिव लिविंग इन अमेरिका. गुरजिंदर अमेरिका जाना चाहता है. विच व्हीकल विल ही प्रेफर टू ट्रेवल. उसे कौन सा व्हीकल यूज करना चाहिए? गुरजिंदर विल प्रेफर टू ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन टू विजिट अमेरिका बिकॉज एरोप्लेन टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस. एरोप्लेन का यूज करना चाहिए उसे क्योंकि वो बहुत कम समय में लंबी दूरी तय करता है. फरीद गोज टू स्कूल बाय टू व्हीलर. से स्कूल जाता है वो विच डजंट नीड फ्यूल. जिसे फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती. कैन यू नेम द व्हीकल फॉर अस? फरीद गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल. बाइसिकल से जाता है वो क्योंकि बाइसिकल टू व्हीलर भी है और उसमें पेट्रोल की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ये सारी एक्टिविटीज आप खुद करेंगे. हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 7, बोन्स एंड मसल्स. हड्डियां और मसल्स. द स्केलेटन, हड्डी का ढांचा. प्रेस योर लेफ्ट आर्म एट डिफरेंट प्लेसेस विद द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. राइट हैंड की मदद से आप अपने लेफ्ट हाथ को दबाइए. यू फील सॉफ्ट एट सम प्लेस एंड हार्ड एट सम प्लेस. कभी कहीं आपको नरम महसूस होगा, कहीं पर कड़ा महसूस होगा. द सॉफ्ट पार्ट आर मसल. जो सॉफ्ट हिस्सा है वो मसल्स कहलाता है. एंड द हार्ड पार्ट आर द बोन. और जो ठोस हिस्सा है, हार्ड पार्ट है, वो बोन कहलाता है. आवर बॉडी हैज 206 बोन्स. 206 हड्डियां हमारे शरीर में. दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म आवर स्केलेटन. वो एक दूसरे से जुड़ती हैं और जुड़कर स्केलेटन बनाती हैं, हड्डी का ढांचा. ये देखिए, ये दिख रहा है द स्केलेटन. द स्केलेटन गिव्स शेप स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. हड्डी का ढांचा हमें शेप देता है, ताकत देता है और सपोर्ट देता है. विदाउट स्केलेटन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट. बगैर स्केलेटन के मदद से हम सीधे खड़े नहीं हो सकते. अब जॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं. अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट. जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं. वी कैन मूव आवर बोन्स एट मेनी ऑफ दीज जॉइंट्स. हम मूव कर सकते हैं अपनी हड्डियों को इन जॉइंट की मदद से. ये देखिए, सम जॉइंट्स ऑफ अवर बॉडी. जॉइंट्स दिए हुए हैं गर्दन का और ये सारे जॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए. फील द जॉइंट्स इन योर एल्बो एंड नी. घुटने और कोहनी में अपने जॉइंट को महसूस कीजिए. यू ऑल्सो हैव जॉइंट्स इन योर नेक. गले में भी जॉइंट है. माउथ, मुंह में, रिस्ट, कलाई में, हिप, कूल्हे में और एंकल, टखने में भी जॉइंट होते हैं. देखिए, लाइफ, लिफ्ट अ बुक, एक किताब उठाइए. टच योर टोज, अपने पैरों के उंगलियों को छूइए. एंड बेंड योर नीज, और अपने घुटनों को मोड़िए. यहाँ सारे जॉइंट्स की मदद से ये सारे काम होते हैं. मसल्स क्या होती हैं? देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी. 600 से ज्यादा मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं. मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स. मसल्स बोन से जुड़ी हुई होती हैं. दे पुल एट द बोन्स टू मेक देम मूव.
हड्डियों को मूव करने के लिए मसल्स उन्हें खींचती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, बोन और मसल एक साथ काम करती हैं। सम मसल्स आर बिग, कुछ मसल बड़ी होती हैं, लाइक द मसल ऑफ आवर हैंड्स एंड लेग, जैसे कि हाथ और पैर की मसल। सम मसल्स आर स्मॉल, कुछ मसल छोटी होती हैं, लाइक द मसल दैट मूव आवर आईज, जैसे कि जो हमारी आंखों को मूव करने वाली मसल्स हैं। ये देखिए लेग मसल्स हैं, ये हैंड मसल्स हैं, ये आई मसल्स हैं। अवर स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अवर बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक। हमारा जो हड्डी का ढांचा है वो हमारे अंदर के नर्म हिस्सों की हिफाजत करता है, जैसे दिमाग, दिल, फेफड़े और स्टमक, पेट। ये इसकी इनकी पिक्चर्स बनी हुई है, सब अंदर होते हैं ये पार्ट। टाइम टू आंसर में देखिए, मसल्स आर, मसल क्या है, मसल्स सॉफ्ट होती हैं। वी स्टैंड इरेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्केलेटन, सीधे खड़े होते हैं हम स्केलेटन की मदद से। वी कैन बेंड अवर बॉडी अराउंड जॉइंट्स, जॉइंट की मदद से हम बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं हमारी बॉडी को। मसल्स मेक द स्केलेटन, फॉल्स है ये, बोन्स बनाती हैं। इन अवर बॉडी द नंबर ऑफ बोन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ मसल्स, ट्रू है ये। ओनली द बिगर मसल हेल्प टू मूव अवर बॉडी पार्ट्स, फॉल्स है ये। मसल्स हेल्प टू मूव बोन्स, मसल बोन्स को मूव करने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। एंड देर आर 206 मसल इन अवर बॉडी, बिल्कुल सही है। सॉरी मसल्स नहीं है, हमारे पास बोन्स है 206, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 600 मसल्स होती हैं और 206 बोन्स होती हैं। द मसल्स हेल्प टू मूव अवर बोन्स, बोन को मूव करने में मसल मदद करती हैं। द बोन जॉइंट जॉइंट टुगेदर फ्रॉम द स्केलेटन, स्केलेटन में बोन्स एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। इन अवर बॉडी देयर आर 206 बोन्स, 206 हड्डियां हैं, ये 3 नहीं है, यहां पर सिर्फ 206 पड़ी है। Our body has more than 600 muscle. हमारी बॉडी में 600 मसल है, ये 4 को नहीं पढ़िए, सिर्फ 600 पढ़िए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अवर बॉडी डिपेंड्स ऑन बोन्स एंड मसल, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बोन्स और मसल पर डिपेंड है। वॉट इज स्केलेटन, हड्डी का ढांचा क्या होता है। ऑल द 206 बोन्स ऑफ अवर बॉडी जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अवर स्केलेटन, हमारे शरीर की 206 पूरी हड्डियां मिलकर हड्डी का ढांचा यानी स्केलेटन बनाती हैं। हाउ आर बोन यूजफुल टू अस, बोन्स कैसे यूजफुल हैं। बोन्स या स्केलेटन गिव शेप, हमें शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है एंड सपोर्ट देता है टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को। हाउ डू बोन्स मूव, बोन कैसे मूव करती हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू अवर बोन्स, मसल हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं। दे पुल एट द बोन्स टू मेक देम मूव, पुल करती हैं मसल जो है वो खींचती हैं बोन्स को मूव करने के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ मसल्स टू अवर बॉडी, टू द बॉडी, मसल्स का यूज है बॉडी में। मसल्स हेल्प टू जंप, मसल कूदने में मदद करती हैं, रन करने में, स्किप करने में, राइड करने में, होल्ड एंड कैरी थिंग्स, पकड़ने में और ले जाने में चीजों को। हॉट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड नो जॉइंट्स, अगर हमारे जॉइंट नहीं होते तो क्या होता। इफ वी हैड नो जॉइंट्स, अगर हमारे जॉइंट नहीं होते, वी कुड नॉट मूव अवर ऑर्गन्स, तो हम अपने अपने बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को नहीं हिला पाते, एक जगह फिक्स रहते हमारे सारे पार्ट्स। चलिए ये एक्टिविटीज आपको खुद करना है। लास्ट चैप्टर देखते हैं, कीपिंग फिट। फिट कैसे रह सकते हैं हम। बोन्स एंड मसल्स ऑफ अवर बॉडी वर्क टुगेदर, बोन और मसल एक साथ काम करती हैं टू हेल्प अस मूव, हमें चलने में, वर्क काम करने में, प्ले करने में। वी वर्क ऑल द डे, हम दिन भर काम करते हैं, बट ऑल द मसल्स आर नॉट फुली यूज्ड, लेकिन पूरी मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हम। मसल्स विच वी डू नॉट यूज बिकम वीक, तो वो मसल्स हमारी वीक होने लगती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज क्या होती है। एक्सरसाइज मींस टू मूव ईच एंड एवरी मसल ऑफ द बॉडी रेगुलरली, बॉडी की हर मसल को मूव करना रेगुलरली एक्सरसाइज कहलाता है। दिस मेक देम स्ट्रांग, ये उन्हें स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू वर्क एंड प्ले विदाउट फीलिंग टायर्ड, स्ट्रांग बोन अगर हैं और स्ट्रांग मसल हैं तो ये हमें काम करने में और खेलने में बगैर थके मदद करती है। एक्सरसाइज कीप अस अवर बॉडी फिट टू वर्क वेल, एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखती है काम करने के लिए। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग गेम्स आर एक्टिव एक्सरसाइजेस, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। ये देखिए पिक्चर्स भी बनी हुई है यहाँ पर। करेक्ट पोस्चर क्या होता है, बैठक हमारी कोई भी काम करने के लिए जो बैठक होती है वो कैसी होना चाहिए। पोस्चर इज द पोजिशन ऑफ द बॉडी व्हेन यू सिट, जब आप बैठते हैं, स्टैंड चलते हैं और वॉक खड़े होते हैं और वॉक चलते हैं। फॉर करेक्ट पोस्चर, सही पोस्चर के लिए यू मस्ट ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, आपको अपनी पीठ सीधी रखना चाहिए। करेक्ट पोस्चर कीप योर बॉडी इन प्रॉपर शेप, करेक्ट पोस्चर आपकी बॉडी को शेप के शेप को सही रखता है। व्हाइल सिटिंग, बैठते टाइम क्या करना चाहिए। सिट ऑन द चेयर, चेयर में बैठिए विद योर बैक स्ट्रेट, अपनी पीठ को सीधी करके। कीप योर हेड अप, अपने सर को ऊपर रखिए, शोल्डर स्ट्रेट, कंधे सीधे रखिए। एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और फीट पैरों को फर्श पर सीधा रखिए।
व्हाइल स्टैंडिंग खड़े होते वक्त क्या करना है, स्टैंड इरेक्ट सीधे खड़े होइए, विद योर बैक स्ट्रेट, पीठ सीधी होनी चाहिए, कीप योर चेस्ट अ लिटिल आउट एंड चिन इन, थोड़ा सा अपने सीने को बाहर रखिए और ठुड्डी को अंदर रखिए, पुट द वेट ऑफ योर बॉडी ऑन बोथ द फीट फ्रॉम हील्स टू टो, एड़ी से लेके उंगले तक पैर को सीधा रखिए और उस पर पूरे दोनों पैरों पर वेट को बराबर दीजिए, कीप योर फीट अबाउट 15 सेंटीमीटर अपार्ट, अपने दोनों पैरों को लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, व्हाइल वॉकिंग चलते वक्त क्या करना है, कीप योर बॉडी स्ट्रेट व्हाइल वॉकिंग, चलते वक्त शरीर को सीधा रखिए, होल्ड योर हेड हाई, सर को ऊंचा रखिए एंड चेस्ट आउट, सीने को बाहर रखिए, कीप योर नीज एंड एंकल्स फ्री, घुटनों को और टखनों को फ्री रखिए एकदम, स्विंग योर आर्म्स फ्रीली, हाथों को फ्रीली हिलाइए, वियर प्रॉपर शूज, शूज प्रॉपरली पहनिए एंड अ करेक्ट पोस्चर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने में करेक्ट पोस्चर बहुत मदद करता है, इट कीप्स अवर बॉडी इन प्रॉपर शेप और हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में भी ये रखता है। टाइम टू आंसर देखिए, मसल्स बिकम स्ट्रांग इफ वी एक्सरसाइज, मसल्स हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, सिट ऑन द चेयर विद योर बैक, बैठिए चेयर पर अपनी पीठ की मदद से स्ट्रेट बैठिए एकदम, मसल्स विच वी डू नॉट यूज बिकम वीक, अगर हम मसल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो वीक हो जाती हैं, वी शुड नॉट वॉक अपराइट, हमें अपराइट नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये, सीधा चलना चाहिए हमें अपराइट, सीधा होकर एकदम, वी शुड कीप अवर चेस्ट आउट व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं तो हमें अपने सीने को बाहर रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट पोस्चर इज नॉट नीडेड टू कीप अवर बॉडी इन प्रॉपर शेप, प्रॉपर शेप में रखने के लिए करेक्ट पोस्चर सही जरूरी नहीं है, बिल्कुल गलत है, जरूरी है वो, एक्सरसाइज मेक्स अवर बोन्स वीक, एक्सरसाइज से हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, फॉल्स है मजबूत होती हैं, वी शुड कीप अवर हेड डाउन व्हेन वी राइट, जब हम लिखते हैं हमें अपने सर को नीचे रखना चाहिए, फॉल्स है हमें अपने सर को ऊंचे रखना चाहिए, एक्सरसाइज मेक्स अवर मसल स्ट्रांग, बिल्कुल सही, वॉक स्ट्रेट विद हेड हाई एंड चेस्ट आउट, While sitting, बैठते वक्त, standing और walking, we must keep our back straight, पीठ को सीधी रखना चाहिए, When we use our muscle regularly, they become strong, मजबूत हो जाती हैं वो, Jogging is an active exercise, jogging active exercise है, Name three active exercises, walking, jogging, running, Answer the question देखिए, Why do you need to exercise, exercise की क्यों जरूरत है आपको, We need to exercise to keep our body fit to work well, हमें सही काम कर ताकि हमारी बॉडी सही काम करती रहे, अच्छे से काम करे, इसके लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ कैन वी मेक अवर मसल स्ट्रांग, हम अपनी मसल को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं, वी कैन मेक अवर मसल स्ट्रांग बाय डूइंग एक्सरसाइज ऑफ एवरी मसल रेगुलरली, हम बनाते हैं अपनी मसल को स्ट्रांग एक्सरसाइज करके मसल्स को रेगुलरली, What is exercise? Exercise क्या? Exercise means to move each and every muscle of the body regularly. Exercise का मतलब है कि हर मसल को move करना, हिलाना डुलाना हमारी body की regularly लगातार. What is posture? Posture क्या है? Posture is the position of the body. Posture body की position है. When you sit, जब आप बैठते हैं, stand, खड़े होते हैं या walk करते हैं, तब. Why is the correct posture needed? Correct posture क्यों needed है? We need correct posture to keep body in proper shape. हमें करेक्ट पोस्चर की जरूरत है हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप में रखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, विच गेम शुड यू प्ले टू मेक योर मसल स्ट्रांग, मसल स्ट्रांग रखने के लिए आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए, कैरम और बैडमिंटन, भाई ईच एंड एवरी मसल ऑफ द बॉडी इज नॉट मूव्ड व्हाइल प्लेइंग कैरम एज इन बैडमिंटन, देयरफॉर टू मेक अवर मसल स्ट्रांग वी शुड प्ले बैडमिंटन, कैरम में हमारी सारी बॉडी की सारी मसल का की एक्सरसाइज नहीं होगी, मूव नहीं होंगी, इसलिए हमें क्या खेलना चाहिए, हमें बैडमिंटन खेलना चाहिए ताकि हमारी सारी मसल्स मूव हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू बेंड फॉरवर्ड व्हाइल स्टडिंग, अगर तुम झुककर बैठोगे आगे की तरफ स्टडिंग पढ़ते टाइम, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त तक झुककर बैठना सामने की तरफ व्हाइल स्टडिंग पढ़ने के दौरान मे लीड टू परमानेंट bending of backbone, हमारी रीढ़ की हड्डी को permanent झुका देगा, it may also cause pain in the back, और इससे पीठ में दर्द भी हो सकता है, things to do, ये अब आपको खुद करना है, right wrong, correct posture में यहाँ पर, इस तरीके से ये आपका course complete हो जाता है, यहाँ पर second term का EBS का, model test paper देख लीजिए, ऐसा ही test paper आपका exam में ऐसे ही paper आएगा, इस paper को भी solve कीजिए आप, और अच्छे से पूरे चैप्टर्स की तैयारी कीजिए, पहले बुक में लिखिए, फिर नोटबुक में लिखिए और सबको याद कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।